हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग घर पे होंगे, सही होंगे और सेफ होंगे, और घर पे ही रह के आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं है और अभी तक आपने कुछ डाउट्स अपना रेज भी नहीं किया, इसका मतलब आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 तक, 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक एक्सरसाइज 3 है। तो आइए हम लोग करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि आपको ग्राफिकली मेथड के द्वारा दो इक्वेशन दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उनसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ ही साथ वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का आपको वर्टेक्स भी निकालना है और उसकी एरिया भी फाइंड करनी है। क्लियर? यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो लगभग क्वेश्चन नंबर 11 कहीं जैसा है, 11 से लेकर 15 तक। लेकिन इसमें क्या था, उस क्वेश्चन में था कि आपको वर्टेक्स फाइंड करना था, लेकिन एक्स एक्सिस के द्वारा जो ट्रायंगल बना है उसका निकालना था। लेकिन इसमें क्या करना है कि इसमें भी वर्टेक्स निकालना है, लेकिन उसका निकालना है जो वाई एक्सिस का साथ ट्रायंगल बना रहा है। और दोनों सिमिलर ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहाँ एक्स एक्सिस के साथ था और यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ है, लेकिन जो भी प्रोसेस थे वो सबका सब सेम करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16, और 2x-3y+6=0। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 3A, 2x-3y+6=0। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2x-3y=-6, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या दिया हुआ है, 2x+3y-18=0। तो इसे भी हम लोग कर सकते हैं ऐसे, 2x+3y=18, इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक आप लोग करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं कि सॉल्यूशन टेबल क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें एक्स या वाई को क्या करना होता है, सिंपलीफिकेशन के द्वारा अलग करना होता है और हमें सॉल्यूशन टेबल क्रिएट करना होता है, सही ना? तो ये देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। इन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, 2x-3y=-6। तो क्या करेंगे, 2x=-6, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3y। सो x=-6+3y/2, सही है। अब हम यहाँ क्रिएट करेंगे अपना सॉल्यूशन टेबल। तो जो मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे एक बार ज़रूर बोलेंगे कि आपको सॉल्यूशन टेबल में दिक्कत हो रही है, सही है ना? मैं आगे बढ़ूँ? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ रखते हैं y=0। क्या रखते हैं, y=0, क्या होगा, -6+3×0/2, -6+3×0/2, -6/2 कैंसिल आउट, -3, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, -3, सही है ना? अब हमें क्या रखना है y के बदले में, अब y के बदले में पुट करेंगे क्या, हम यहाँ रख देते हैं -2, क्या रखते हैं हम लोग, +2 रख देते हैं, +2। देखिए यहाँ पे, तो -6+3×2/2, -6+3×2=6/2, +6-6=0/2, 0 by something 0, कोई दिक्कत अभी तक? आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और दिक्कत नहीं भी होनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको ये सारे चीज़ आपको समझा दिए थे, सारे स्टेप्स आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन सेकंड से फिर निकालेंगे उसका सॉल्यूशन टेबल। तो इक्वेशन सेकंड क्या देख लीजिए यहाँ पे, वो है आपका फ्रॉम इक्वेशन टू, अब क्या है, वो है आपका 2x+3y=18, इम्प्लाइज 2x=18-3y, सो x=18-3y/2,
टू। कोई डाउट? इसका भी हमारा लीजिए टेबल, ये हो गया इसका सॉल्यूशन टेबल, और यहाँ पर डब्बा बना लीजिए ए एक्स और ये वाई। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं वाई की वैल्यू को टू, वाई की वैल्यू टू। तो वाई की जो वैल्यू टू होगी तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 18 माइनस 3 इंटू टू बाई टू, 18 माइनस 6 बाई टू, 18 माइनस 6 क्या तो 12 बाई टू, कैंसल आउट 6, यानी कि जब y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू 6 होगी। अब हम क्या रखते हैं, अब हम लोग रखते हैं इसके बदले में 4, y की वैल्यू को 4, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 3 इंटू 4 बाई टू, 18 माइनस 3 4 जा 12 बाई टू, 18 से 12 गया तो 6 बाई टू, कैंसिल आउट 3, ये कितना हो जाएगा। ये रहा हमारा सॉल्यूशन टेबल, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें क्या करना है, तो अब हमें आगे करना पड़ेगा अपना ग्राफ ड्रो, सही ना? ओके चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले लाइन ड्रो करते हैं, एक ये जो क्या होगा हमारा वाई एक्सिस, और दूसरा लाइन जाते हैं हम लोग क्या अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ये होगा और दूसरा ये होगा, ये होगा हमारा एक्स एक्सिस और ये होगा हमारा वाई एक्सिस, दोनों जहां पर कटेंगे उस हम लोग बोलेंगे ओरिजिन, और ओरिजिन का होता है जीरो जीरो, ये रहेगा हमारा वन, ये रहेगा हमारा टू, ये हमारा थ्री, ये हमारा फोर, ये हमारा फाइव, ये हमारा सिक्स, ये हमारा सेवन, ये हमारा माइनस वन, ये हमारा माइनस टू, ये हमारा माइनस थ्री, ये माइनस फोर, ये माइनस फाइव, ये माइनस सिक्स, यहाँ पे माइनस ये होगा हमारा वन, ये होगा हमारा टू, ये होगा थ्री, ये होगा फोर, ये होगा फाइव, ये होगा सिक्स, ये होगा सेवन, और ये होगा एट, ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। चलिए अब देखें यहाँ पे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, पहला ही पॉइंट हमें दिया हुआ है माइनस थ्री और जीरो, यानी कि एक्स पे होगा माइनस थ्री और वाई पे होगा जीरो, यानी कि माइनस थ्री कहाँ, एक्स पे माइनस थ्री ये पॉइंट, और वाई पे कितना जीरो, यानी कि यहीं पर रह जाएगा, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस थ्री जीरो, और इसका नाम क्या देते हैं हम लोग ए, सही है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, जीरो और टू, यानी कि एक्स पे जीरो वाई पे टू, तो एक्स पे जीरो तो हटा दीजिए, वाई पे आइए, वाई पे कितना टू हो गया। अब क्या करिए, अपना रखिए ये स्केल और इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिला दीजिए, मैं डॉटर से ला रहा हूँ ताकि गलत ना हो जाए, ये बोर्ड भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने। ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, थोड़ा गहरा होगा, ध्यान वहाँ मत दीजिएगा, आप अपने ग्राफ पर ड्रॉ करिएगा आपका सही होगा, सही है ना। चलिए दूसरा क्या है,
एक्स पे सिक्स, वाई पे टू, एक्स पे सिक्स और वाई पे टू, एक्स पे सिक्स और वाई पे टू। सही है, ये कितना था हम लोग का, ये था हम लोग का जीरो टू, यहाँ लिखते हम लोग बी, एक्स पे सिक्स वाई पे टू हो गया। अब क्या था, एक्स पे थ्री और वाई पे फोर, वाई पे एक्स पे थ्री और वाई पे फोर। सही है, अब इसे ध्यान से मिलाइएगा, स्केल से आराम से एक स्ट्रेट लाइन बड़ा सा ड्रॉ करिएगा जो ग्राफ को भी क्या करे, इंटरसेप्ट करके चले जाए। ये तो इधर हो गया, इधर हो गया हमारा, स्ट्रेट लाइन। सही है, अब जहां भी जगह खाली है वहां पर लिखिए इक्वेशन का नाम। तो पहले इक्वेशन क्या है, 2x-3y = -6, और दूसरा क्या है इक्वेशन हमारा हम लोगों का, 2x+3y = 18। सही है ना। अब यहाँ देखिए दोनों जो लाइन है हम लोगों के यहाँ और ये जहाँ इंटरसेप्ट हुए उसको उसको हम लिख देते हैं क्या, सिक्स टू। ए बी यहाँ सी और थ्री फोर, थ्री फोर, यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे डी, और डी का कितना है 3 4, और यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ पे ई, ये देखिए तो ये कितने पे है 6 0, ई कितना है 6 0। चलिए यहाँ देखिए दोनों जो लाइन है हम लोगों का, पहला लाइन क्या है ए बी डी और दूसरा लाइन क्या है हम लोगों का ई डी सी, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हुए हैं, दोनों ही जो लाइन है वो पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट हुए हैं। कहाँ पे, पॉइंट डी पे, और जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट होते हैं उसका सॉल्यूशन कहाँ होता है, वहीं पे होता है। इसका मतलब है कि एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल 3 और वाई इक्वल 4, कोई दिक्कत। और क्या लिखना है इसका, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स यानी कि वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना हुआ है उस ट्रायंगल का हमें वर्टेक्स लिखना है और उसी ट्रायंगल का हमें एरिया भी फाइंड करें। देखिए यही जो ट्रायंगल है ये बना है आपका वाई एक्सिस के साथ, सही ना, जिसको मैंने क्या कर दिया, सैडल कर दिया, ये सैडल रीजन है, यही है वो ट्रायंगल जो बना है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। सही है, तो हम क्या करते हैं अब यहां से इसका लिखते हैं वर्टेक्स। तो यहां देखिए वर्टेक्स कितना हो जाएगा, D का होगा 3 4, E का होगा 6 0 और B का होगा 0 2, हो गया वर्टेक्स। अब इसका क्या निकालना है, एरिया, क्या निकालना है एरिया, तो क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ही ना होता है, पहले हमें हाइट चाहिए। देखिए यहाँ पे हाइट को हम लोग यहाँ ला के इसको मिला देते हैं, ये क्या बन जाएगी इसकी, ये बन जाएगी इसकी हाइट, ये क्या बन जाएगी इसकी हाइट। सही है, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे लिख देते हैं एम। चलिए तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना होगा बी ई, बेस होगा बी ई इंटू हाइट कितना होगा डी एम, हाइट कितना होगा
डीएम, 1/2 इंटू बेस कितना, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सही है, 4 यानी कि 4 यूनिट हो गया इसका बेस। और हाइट कितना है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस यानी कि वाई के पैरेलल है, ये डिस्टेंस किसके पैरेलल है, सॉरी ये डिस्टेंस जो है वो एक्स के पैरेलल है, तो एक्स के डिस्टेंस, एक्स के पैरेलल डिस्टेंस का मतलब होता है एक्स एक्सिस, यानी कि जो जो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। तो एक्स का कितना है डिस्टेंस, 3 है, तो इसका मतलब कि 3 हो जाएगी यहाँ, 3 यानी कि ये होगा 3, ये कैंसिल आउट, 3 × 6 स्क्वायर यूनिट, आंसर आपका आ गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे, अगर आप समझ गए होंगे तो इसे अच्छे से नोट करें और आपको सॉल्यूशन करके मुझे बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है ना, कमेंट करके जरूर बताएं। ओके नोट कर लीजिए इसको। 17 क्या है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 है फोर एक्स माइनस वाई माइनस 4 = 0, सो 4x - y = 4 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है हम लोग को, 3x + 2y - 14 = 0, सो 3x + 2y = 14 इक्वेशन टू, सही है। फिर से वही काम करना है हमें, क्या सॉल्यूशन टेबल बनाना है, सॉल्यूशन टेबल को ग्राफ पर ड्रॉ करना है, तो वहाँ तो आप लोग कर सकते हैं ना, देखिए यहाँ तो मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट, 4x - y = 4, सो मैं लिखता हूँ डायरेक्ट x = 4 + y / 4, यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन टेबल, आपको तो करने आ रहा होगा इसलिए मैं अब लिखता हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ लिखता हूँ 0 तो ये हो जाएगा 1, यहाँ लिखूँगा 4 तो ये हो जाएगा 2, सही है। फिर नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या इक्वेशन हम लोग का देख लीजिए, यहाँ पे x के इक्वल क्या हो जाएगा, 14 - 2y / 3, सॉल्व करके देख लीजिएगा इतना ही आएगा, सही है ना। चलिए मैंने चूँकि आपको बहुत बार सिखा दिया है इसलिए आप अब अपने से खुद कर सकते हैं, मैं यहाँ रखता हूँ y = 1, तो क्या हो जाएगा, 14 से 2 गया तो 12 का 4 रखते हैं, क्या y = 4, कितना y = 4, तो क्या हो जाएगा 14 - 2 = 4 / 8/3, कितना हो जाएगा ये 14 में से 8 गया तो 6/3 कैंसिल आउट 2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसे, सब लोग ग्राफ पेपर पे करेंगे, और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ेंगे। यहाँ होगा 0 और ये ओ 0 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारा रहेगा 1, यहाँ पर रहेगा 2, यहाँ पर रहेगा 3, यहाँ पर रहेगा 4, यहाँ पर रहेगा 5, यहाँ पर रहेगा 6, यहाँ पर रहेगा 7, सेम यहाँ पर रहेगा क्या -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1 - 2 - 3 - 4 - 5, हो गया। चलिए x पे 1 तो y पे 0, तो कहाँ रहेगा 1 पे, ये हो गया हमारा कितना 1 0, बाद में लिखते हैं इसको, x पे 2 तो y पे 4, यानी कि यहाँ पे,
ये हो कितना हमारा 1 0, ये कितना होगा हमारा 2 4। क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइनिंग पहले क्या करते हैं इसको हम लोग सेवन वाई बढ़ा लेते हैं। चलिए इसको मिलाते हुए लाइए, सही है, और इसको मिलाइए ऐसे ले जाकर ऊपर, हो गया। चलिए अब यहाँ लिख दीजिए ए और यहाँ लिख दीजिए बी, सही है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया है, एक्स पे 4 तो वाई पे 1, एक्स पे 4 रखना और वाई पे 1, तो एक्स पे 4 यहाँ पे है, वाई पे 1 यहाँ पे है, यानी कि दोनों सामने आएंगे तो यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि ये होगा हमारा 4 1, 4 1, ये 4 और ये 1, ये सी। अब क्या है, x पे 2 तो y पे 4, x पे 2 तो y पे 4, यानी कि यहीं पे, सही है। अब क्या करिए, इसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करिए, तो पहले से आप ग्राफ पेपर का जरूर यूज करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे बताएंगे। सही है, सही है। चलिए अब यहाँ देखिए, इसके लिए लिख लीजिए इसका इक्वेशन यहाँ पे, तो क्या इसका इक्वेशन 4x - y = 4, और इसका इक्वेशन कितना था 3x + 2y = 40, सही ना। यहाँ पे b हो गया तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना, हमारा a हो चुका है, b हो चुका है, c हो चुका है, तो यहाँ पे d और यहाँ पे e, तो d का क्या होगा कोऑर्डिनेट 0 7, और e का क्या होगा कोऑर्डिनेट 0 - 4, हो गया ना। अब यहाँ देखिए, जो आपके दोनों लाइन है, यानी कि पहला लाइन कौन, ये e a b, और दूसरा लाइन कौन d b c, दोनों कहाँ कट रहे हैं, दोनों के दोनों B पॉइंट पे कट रहे हैं, किस पॉइंट पे, दोनों जो लाइन है वो B पॉइंट पे कट रहे हैं, इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन होगा वो कहाँ पे होगा, वो B पे होगा। तो B का कोऑर्डिनेट कितना है, B का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका 2 4, कितना है 2 4, इसका मतलब 2 किसकी वैल्यू, 2 होगी आपके x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली कि x = 2 और y = 4, हो गया सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको जो ट्रायंगल बना हुआ है उसका वर्टेक्स लिखना है, तो देखिए वो भी किसके साथ ट्रायंगल, तो वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना हुआ है, तो यहाँ देखिए ये पूरा वाई एक्सिस है, एक यहाँ पे देखिए और एक यहाँ पे देखिए और एक यहाँ देखिए, बन गया ट्रायंगल, यानी कि पूरा जो ट्रायंगल है ये पूरा ट्रायंगल जो है इसी का हमें क्या करना है, इसी का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है और वर्टेक्स भी फाइंड करना है। तो वर्टेक्स देख लीजिए क्या होगा, वर्टेक्स 0 - 4, 2 4 और 0 7, हो गया। अब क्या निकालना है, एरिया, क्या निकालना है, एरिया, तो एरिया क्या होता है, पहले एरिया में बेस इंटू हाइट, क्या देखिए ये हो जाएगा इसका बेस, और हाइट क्या होगा, हाइट जो होगा वो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से, तो यहाँ नाम दे देते हैं हम क्या, एम, एम से चूंकि मेरा भी नाम है इसलिए हो जाएगा
एम, सही है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई इक्वल 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है इसका बी, सॉरी डी ई, बेस होगा इसका डी ई इंटू हाइट क्या है इसका बी एम, हाइट क्या है इसका बी एम, तो 1/2 इंटू डी कितना है काउंट कर लीजिए, डी कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितना है 11, कितना है 11 यूनिट। और बी एम यानी कि इसकी हाइट कितनी है, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो एक्स के, वो एक्स के क्या है, एक्स के पैरेलल है, इसका मतलब है कि वो एक्स का, एक्स का डिस्टेंस होगा, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक है डिस्टेंस कितना 2, तो इसके हाइट हो जाएगी 2, कट गया, तो 11 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो आप क्या करें, इसको नोट करें। अब देखिए क्वेश्चन, अब यहाँ से आप लोग जो क्वेश्चन नंबर पूरा 16 से लेकर 21 तक है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चन सेम सॉल्व होंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, सबको सॉल्व करना है, चलिए अच्छी बात है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 25 तक, तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें बोल रहा है कि आपको ग्राफिकली ये शो करना है कि इसके मैन्यू सॉल्यूशन होंगे, तो याद करिए, याद करिए आप कि मैंने आपको समझाया था कि मैन्यू सॉल्यूशन कब होते हैं, जब क्या हो ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों के दोनों एक ही लाइन पे क्या हो जाए, पास कर जाए, दोनों के दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर से ही पास कर जाए, तो इसे कितने सॉल्यूशन होते हैं, मैन्यू सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए आप क्या करेंगे यहाँ तक सब कुछ सेम करेंगे, ग्राफ भी सेम ड्रॉ करेंगे, अगर दोनों ग्राफ सेम ही लाइन पे पास कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके मैन्यू सॉल्यूशन होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं होंगे, इट्स सिंपल, हो सकता है ना, आप लोग तो बहुत जीनियस आप लोग कर ही लोगे, ठीक है ना, तो आप लोग करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25 तक आपको सॉल्व करना है, और मुझे अगर किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना है, सही है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, सही है ना, तो आप लोग भी थोड़ा सा कष्ट करें, और सब्सक्राइब करने के पैसे तो लगते नहीं है ना, तो आप लोग तो कर ही देंगे, उम्मीद है आप लोगों से।